Morning students, today I will teach you the English literature chapter number 3, the mountain 8 people, page number 31. Then tie a silken thread around a large ant and release it in the opposite end. तो क्या किया ना, एक silken thread लिया और वो round किया और release किया opposite end में. Surely that will be put in silken thread through the pipe. और ये जो silken thread था वो बहुत आसानी से पाइप के अंदर से घुस गया था. नॉट ओनली थ्रू सेवन बेंड्स, सिर्फ सेवन बेंड से नहीं, एक एक थ्रेड एक एक पाइप के अंदर से घुस गया था, बट थ्रू 70. सी एडेड लाफिंग, थैंक यू मदर, थैंक यू. क्रिएट द हैप्पी फार्मर, ही रन एज फीड एज ही कुड एंड टेल द डेलिटेड फ्यूडल लॉर्ड हु रिवार्डेड हिम विद बैग्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस गिफ्ट्स. और ये आसान होते ही वो फार्मर बहुत ही खुश हुआ और जो फ्यूडल लॉर्ड था उसको जाके बोला कैसे ये करना है, और वो उसको बहुत सारा गोल्ड का बैग से गिफ्ट दिया. टाइम पास एंड एट वंस मोर द वीक ओवरलोडेड हिज मैसेंजर टू हैरास द फ्यूडल लॉर्ड विद द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल. हैरास मीन्स टू मेक समवन्स लाइफ अनप्लेजेंट. तो बहुत साल बीत गया, टाइम भी बीत गया, और ये जो मैसेंजर है वो बहुत ही हैरेस कर रहा था फ्यूडल लॉर्ड को, और हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था. देन ग्रेट लॉर्ड वरीज टू मेक हिम ए ड्रम विद विल प्ले बाय इटसेल्फ अनाउंस द मैसेंजर. द फ्यूडल लॉर्ड वाज पेरिफाइड, पेरिफाइड मीन्स एक्सट्रीमली फ्राइटेंड. और फ्यूडल लॉर्ड बहुत ही भयभीत हो गया था. हु इज देयर दैट कैन टेल अस हाउ टू मेक सच ए वंडरस ड्रम एंड सेव आवर लाइव्स एंड लैंड. वो कैसे अपना लाइफ को वो मचा सके, इसीलिए वो बहुत भयभीत हो गया था. ही वेट द फार्मर टर्न्ड अगेन टू हिज मदर फॉर एडवाइस. वो फिर फार्मर के पास गया एडवाइस के लिए, उसके मम्मी के पास गया. माई सन द प्रॉब्लम इज इजियर देन द अदर्स. तो उसका मम्मी ने बोला ये प्रॉब्लम और भी इजी है अदर्स प्रॉब्लम से. शी स्माइल्ड. मेक एन ऑर्डिनरी ड्रम टू पुट सम बम्बल बीज इन साइड. तो बोला एक ऑर्डिनरी ड्रम लो, उसके अंदर कुछ बम्बल बीज उसको अंदर भर दो. बिफोर कवरिंग द साइड्स विद पेपर. और ड्रम के जो दो साइड है उसको कवरिंग करो पेपर से. टेक इट टू द ओवरलोड एंड इट विल प्ले मेरली विदाउट बींग टच्ड. और उसको ओवरलोड करो और उसको बहुत धीरे से मेरिली टच करो. ओफ मदर हाउ वाइज यू आर, तुम कितना ज्ञानी हो. क्रीट द एक्साइटेड फादर रैन टू द फ्यूडल लॉर्ड टेल हिम. और ये दौड़ के वो फ्यूडल लॉर्ड को बोलने के लिए गया. द लॉर्ड वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय. लॉर्ड ने बहुत ही आनंदित हुआ. और टेकिंग द प्राइसलेस स्ट्रिंग एंड पर्ल्स द रूबीज फ्रॉम हिज नेक एंड गिव देम टू द फार्मर. वो बहुत ही प्राइसलेस जो उसका पर्ल्स था, रूबी था उसका नेक में, वो उसको गिफ्ट में दे दिया. बट सडनली ही स्टार्टेड हर द यंग मैन. बट सडनली वो क्या हुआ, वो यंग मैन सुना कि एक यंग मैन, इट इज वंडरफुल दैट यू आर एबल टू सॉल्व सच डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. उसको सुना जे एक यंग मैन सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ही सेड श्योरली यू कैनॉट बी वाइज. तुम इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकते. तो थिंक ऑफ द आंसर ऑल बाय योरसेल्फ. टेल मी ऑनेस्टली हु हैज हेल्प्ड यू. तो उन्होंने बोला मुझको ये विश्वास मत दिलाओ कि तुम ये सब सॉल्व कर रहे हो. तुमको मुझे ऑनेस्टली बताओ कौन तुमको हेल्प कर रहा है. द फार्मर बहुत ही भयभीत हो गया और बोला बिफोर द फ्यूडल लॉर्ड ही स्पोक करेजियसली एंड विद कॉन्विक्शन. बट वो बहुत ही साहस के साथ वो सब कुछ बोला. Mightily Lord, I have disobeyed you and have kept my old mother hidden away at home. वो बोला जे हम आपको डिसोबे किया, आपने जो बोला था हम आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, और मेरा मम्मी को मैं छुप कर रखा होम पे. इट इज रियली सी हु हैज गिवन यू द करेक्ट आंसर दिस प्रॉब्लम एंड हैज सेव्ड आवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द ओवरलोड. प्लीज फॉर गिव मी. और वही मुझे हेल्प कर रहा था सब कुछ प्रॉब्लम से निकलने के लिए. सो प्लीज उसको भूल जाओ. Was the fiddle lord angry? Fiddle lord के angry हो गया था? No. He realized the value of the great wisdom of old people. वो angry तो नहीं हुआ था, और वो जो old होने का जो wisdom है, जो ज्ञान है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझा. And his folly is sending them away to mountain to die. और इस folly to sending, और उसको जो mountain में उसको रख के गया था die मरने के लिए, उसको उससे वो बहुत क्या बोलूँ, उसको ये पसंद नहीं आया. एट वंस ही विड्रॉ द क्रूएल डिक्री. और उससे उसका जो क्रूएल डिक्री था वो विड्रॉ कर लिया. सो फ्रॉम दैट डे
No old people take them the mountain that eight people and they lived happily with their children and grandchildren. तब से कोई भी अपने माता पिता को माउंटेन में नहीं रख के आते हैं, हैप्पीली चिल्ड्रेन और ग्रैंड चिल्ड्रेन एक साथ रहता है. मोर ओवर द पावरफुल ओवर लॉर्ड बींग एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई द विजडम. तो पावरफुल ओवर लॉर्ड ने ये जो विजडम था ओल्ड मैनों का, इससे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ. एंड फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज सब्जेक्ट्स गिव अप फाइटिंग एंड ऑल लिव टुगेदर इन पीस हार्मनी. और वो जो फाइटिंग कर रहा था वो उसको छोड़ दिया फ्यूडल लॉर्ड ने, और सब एक साथ मिलके बहुत शांति के साथ एक साथ रहने लगा. सो थैंक यू.